What's up guys, this is Varian Van Alpha, आप देख रहे हो Van Alpha Vlogs और आज का व्लॉग थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होने वाला है। एंड इंटरेस्टिंग क्यों होने वाला है, क्योंकि हमारे पास एक सरप्राइज है जो मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। तो वो सरप्राइज़ ये रहा, एंड उसको जल्दी से खोलते और अनबॉक्स करते और दिखाते हैं आपको कि वो क्या है। तो ये है गाइज, इसके अंदर सरप्राइज है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो इसको जल्दी से खोलते हैं। वहाँ पे हमारा कैमरामैन राकेश अलग से रिकॉर्डिंग कर रहा है। यही होता है जब तुम राइट और लेफ्ट से खोलो। इसको बहुत ही प्यार से विनम्रता के साथ यहाँ रख दिया जाए, बहुत ही प्यार से खोला जाए। इसको हम बाद में उठाएंगे। ये एक उनकी तरह से एक जैकेट आई है। तो गाइस ये है शीमा ड्रिफ्ट, दिस इज द जैकेट वी वर लुकिंग फॉर। एंड आप सबको पता है कि मैंने यही कलर क्यों चूज़ किया, आप लोगों को भी पता है यही कलर क्यों चूज़ हुआ है। तो अभी जल्दी से इसको शिफ्ट करते हैं और फिर आगे का ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं। एंड भाई बहुत ही अमेजिंग जैकेट लग रही है। इसमें आप देख सकते हो कि शोल्डर प्रोटेक्शन है, यहाँ पे अंदर एल्बो प्रोटेक्शन भी है, एंड थोड़ा सा हैवी लग रहा है, विच मीन्स कि शायद बैक प्रोटेक्शन भी है अंदर। तो आप सामने से पहले देख के बताओ कि भाई कैसी लग रही है। बढ़िया लग रही है, तो फिर इसको खोलते हैं। और थोड़ी सी भारी है बिकॉज इसमें अंदर आप देख सकते हो बैक प्रोटेक्टर भी आता है। बैक प्रोटेक्टर यहाँ से खुलता है एंड यहाँ से खोल के आप इसमें बैक प्रोटेक्टर इंसर्ट कर सकते हो। हमें इसके साथ मिला है C-Level 2 का बैक प्रोटेक्टर। उसके बाद इसमें शोल्डर प्रोटेक्टर हैं, ये शोल्डर प्रोटेक्टर हैं। और यहाँ पे आर्म में अगर आप देखना चाहें तो ये रहा आर्म प्रोटेक्टर। तो C-Level 2 की इसमें प्रोटेक्शन मिल रही है जो कि सिटी राइड के लिए अच्छी है, बट उससे ज़्यादा अगर आप हाइपर राइडिंग करने वाले तो उसके लिए अच्छा नहीं है। तो इसको आप आगे से देख सकते हो, ये थोड़ा सा वाटरप्रूफ है। इसमें हर जगह पे मैच दे रखे हैं सो दैट थोड़ा सा एयर ही रहे, बिकॉज बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई हो जाता है। तो अभी इसको जल्दी से पहन के दिखाते हैं आप लोगों को। ओके, पहनने से पहले हम इसमें ये देखना चाहेंगे कि यहाँ पे जिप भी अटैच होती है हुडी के लिए। वाओ, हुडी कहाँ है, हुडी नहीं थी। इनको दोबारा अप्रोच किया जाएगा हुडी के लिए। एंड शीमा का ये जो हमने जैकेट मंगाया भी है, गॉट दिस जैकेट फ्रॉम जी टी हाउस पुणे ने हमें ये जैकेट भेजा है। जैकेट तो कंफर्टेबल लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है पहन के देखने से। एंड आपको पता है आपने किस चीज़ के साथ जाएगा। एंड इसमें लाइनर्स है, रेन लाइनर है इसके साथ। उसके बाद एडजस्टेबल नॉब्स हैं। और जो बेस्ट चीज़ मुझे लगी वो है, यस यू आर राइट, इसका कलर। तो गाइस बताओ, कमेंट करके बताओ जल्दी से कैसा लग रहा है। एंड उसके बाद इसके साथ शूज़ पहन के आपको बाद में दिखाएंगे कि भाई कैसा लग रहा है। मुझे तो अच्छा लग रहा है, कंफर्टेबल लग रहा है। एंड वाटरप्रूफ पॉकेट्स भी है इसमें, तो बढ़िया है। सिटी राइड वगैरह के लिए अच्छी जैकेट है, पर एक धमकी जैकेट लेंगे प्रॉपर डुकाटी के हिसाब से, एंड उसकी चीज़ आपको बाद में दिखाएंगे। तो गाइज आज का ब्लॉग यहीं एंड करते हैं, क्योंकि जो संवाद आता है सामने बैठे बहुत ही गर्म हो रखे हैं, बहुत ही गर्म, मतलब मैं बयां भी नहीं कर सकता इतने गर्म। तो जल्दी से सब गंद को समेटते हैं। एंड थैंक यू संवाददाता फॉर योर सपोर्ट। आपने सपोर्ट दिखाया तो हम ये जैकेट ले पाए, आपने सपोर्ट दिखाया तो हम ये बाइक ले पाए। हाँ, मैं अपनी धर्मपत्नी की बात कर रहा हूँ, आप सब सही गेस कर चुके हैं। तो अभी इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, क्योंकि 11 बजने वाले, डिनर किया नहीं है और माता कभी भी आ सकती है। तो दैट इज मी Van Alpha, पीस आउट, बाय, सेफ। तो गाइस जैकेट अच्छी है, सब बढ़िया, बट मेरे को लग नहीं रहा कि इट इज़ वर्थ 14,000। थोड़ा महंगा सौदा है, बट हमने कलर के हिसाब से ले लिया, एक सिटी राइड के लिए होनी चाहिए जैकेट है। मुझे बहुत पसंद है सिटी राइड के लिए, वो भी लेंगे। और दो तीन चीज़ें और प्लान कर रखी है, बस आप लोगों का सपोर्ट आता रहे, फिर देखो भाई क्या तबाही सीन्स होंगे, तबाही सीन्स।
तो गाइस जैसे आप देख सकते हो ये अंदर की तरफ जो इसका वाटरप्रूफ पॉकेट है, एंड ये जो क्लिपिंग है ये एक्स्ट्रा क्लिपिंग चारों तरफ दे रखी है फॉर इनर लाइनर, एंड ये सारा का सारा लेवल टू बॉडी प्रोटेक्शन के साथ है। ये है वो बैक प्रोटेक्टर जिसकी मैं बात कर रहा था, एंड वैसे ही सिमिलरली चेस्ट प्रोटेक्टर आता है। तो ओवरऑल बढ़िया है, क्वालिटी भी अच्छी है। टेक्सटाइल जैकेट में आती है, यहाँ पे एक अलग से जिप है जो मैंने आपको बताया था जैसे हीट के लिए, ताकि यहाँ से पानी हवा वगैरह चलती रहे जब आप बाइक को चला रहे हो। एंड तो ऐसी से है गाइज अपनी शीमा की, तो एक छोटा सा। तो भाई अभी तो कुछ ऐसा लग रहा है, बढ़िया सा ही लुक दे रहा है ये, क्या कहते हो भाई लोग? तो गाइज जैसा आप देख सकते हो इसमें सैप के शोल्डर स्लाइडर्स है, H3 हीट प्रोटेक्शन है, मतलब इसमें इतने वेंट्स हैं जहाँ जहाँ पे जिप है सब कुछ है, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि इसमें हीट कम लगती है, बिकॉज ये हीट प्रोटेक्शन के H3 हीट प्रोटेक्शन के साथ आता है। हाई फ्लो है, जब बाइक पे बैठोगे चलोगे यहाँ पे जो जिप है, यहाँ पे जिप है, इन सब जिप से हवा निकलती है, जब हवा अंदर जाती है तो सर्कुलेट होता है। और इसमें लेवल टू प्रोटेक्शन है शोल्डर्स की भी, बैक की भी, और चेस्ट का भी एक प्रोटेक्शन अलग से आता है, वो अभी हमने लिया नहीं, बाद में लेंगे, क्योंकि जब सिटी राइड के लिए लिए उसके बाद तो आपको पता अपनी फेवरेट डेनिस ही है, अल्पाइन स्टार ही है। बट आई जस्ट वॉन्टेड दिस कलर जैकेट बिकॉज इट गोज वेरी वेल विद माई डेनिस डी टॉर्क फ्लोरोसेंट आउट शूज, एंड दैट इज इट वाई आई परचेज दिस, एंड आई होप आपको अच्छा लगा। एंड मेरे को तो बहुत ही कंफर्टेबल लग रहा है, अभी एक दो बार इसको चलाएंगे फिर पता चलेगा कि भाई कैसा फील आ रहा है।